हाय गाइज, आभार चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे आम और चने से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाकर आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना बताते हैं। इसे बनाने के लिए हाफ के जी आम लेंगे और इसे अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे और थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखा देंगे, जिसे इसमें पानी ना रहे। अब हाफ बाउल काबुली चना लेंगे, आप इसकी जगह देसी चना भी यूज कर सकते हैं। फिर गीला कपड़ा लेंगे और इससे चने को अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे इसमें जो धूल मिट्टी और गंदगी हो वो साफ हो जाए। हमें चना धोना नहीं है, वरना अचार खराब हो जाएगा, इसलिए इसे इस तरह पोंछ रहे हैं। अब इसे फैन के नीचे 1 घंटे छोड़ देंगे, जिससे इसका पानी सूख जाए। ये हमने अदरक मिर्ची और लहसुन लिया है, इसे धोकर हमने अच्छे से पोंछ लिया है और 1 घंटे इन्हें भी फैन के नीचे रख कर सुखा लेंगे। ये देखिए, आम का पानी सूख गया है। अब हम आम को पील कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह मेरा वीडियो देख सकें। इसी तरह हम सारे आम को पील कर लेंगे। फिर हम ग्रेटर लेंगे और इसमें जो सबसे बड़ा छेद है उसे हम ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आम ग्रेट कर लेंगे। फिर आम के छिलके को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। जिस छिलके में थोड़ा बहुत दागी है और निशान है उसको हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और ये छिलके बेकार हैं, जिन्हें हमने अलग कर दिया है। अब इसमें चना ऐड करेंगे। चना अच्छे से सूख गया है। फिर 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। 1.5 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ऐसा अचार सब लोग बनाते हैं, आपने कई वीडियो देखा होगा, लेकिन इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कोई नहीं करता है। फिर इसे ढककर ओवरनाइट इसी तरह छोड़ देंगे, जिससे आम पानी छोड़ेगा और चना इसी में सोख हो जाएगा। लेकिन हमें तो कुछ नया बनाना है, इसलिए इसमें कटा छिलका ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार जब बन के तैयार होता है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये आम का छिलका है। फिर इसे हम इस तरह प्रेस करेंगे, जिससे चना जो है ये आम के नीचे चला जाए और जो पानी निकले उससे ये अच्छे से फूल जाए। फिर इसे ढककर ओवरनाइट इसी तरह छोड़ देंगे, जो आम से पानी निकलेगा उससे चना फूल जाएगा। ये देखिए, चना फूल कर कितना बड़ा हो गया है। अब इसमें और मसाले ऐड करने के लिए हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम फ्राई पैन लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। फिर इसमें 2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे भी 1/2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें 3 टीस्पून सौंफ डालेंगे, ये मोटी वाली सौंफ है जो अचार में पड़ती है। अब इसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे और इन सबको थोड़ा भून लेंगे। फिर इसमें 4 टीस्पून पीली सरसों डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाला रोस्ट हो गया, अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इसे भी फ्राई पैन में डालकर 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फिर इसे हम निकाल लेंगे। ये अदरक और हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें मसाला डालेंगे। ये मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला पिस गया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। हमें मसाला जितना भूनना होता है उससे थोड़ा कम भूनना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर जार में जब हम इसे पीसते हैं तो ये उसकी गर्मी से थोड़ा और भून जाता है। अब आम के मिक्सचर में कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे, पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे
2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, फिर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून मगरेल ऐड करेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। फिर 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इन दोनों को हमने रोस्ट नहीं किया है। फिर इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, ये कच्चा तेल है, इसे हमने पकाया नहीं है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल इतना होना चाहिए जिससे अचार ख़राब ना हो। अचार हमेशा सरसों के तेल से ही बनाना चाहिए, और वो भी कच्चे तेल से, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम हमेशा अचार में कच्चा ही तेल डालते हैं, आप भी इसे ही डालिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें और भी सरसों का तेल डाल सकते हैं। ये देखिए, जो देख के आपको अच्छा लग रहा ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये अचार बनके तैयार हो गया है। अब हम शीशे का जाल लेंगे, इसे हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया था। अब इसमें हम अचार को भर लेंगे। ऐसा अचार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया होता है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करिए। जो चीज़ अच्छी नहीं बनती है उसका वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं, इसलिए आप मुझ पर ट्रस्ट करके इस तरह अचार ज़रूर बनाइए और देखिए आपका भी अचार कितना अच्छा बनने वाला है। खाने को तो आप अभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसे साल भर स्टोर करने के लिए 5-6 दिन धूप में इसे रखना होगा, तब ये अचार बनके तैयार होगा और ये साल भर ख़राब नहीं होगा। धूप में रखने के लिए ऐसा साफ कपड़ा लीजिए और इसे ऊपर से इस तरह कवर कर लीजिए और इसे बांध लीजिए। आप चाहे तो इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा सकते हैं और इस तरह 5-6 दिन इसे धूप दिखा दीजिए। 5-6 दिन बाद आपका अचार तैयार हो जाएगा और ये साल भर ख़राब नहीं होगा। जब हम ये वीडियो डाल रहे हैं तब मेरा अचार बनके तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और आपका कैसा बना हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।